पढ़ने का कोई उम्र सीमा नहीं होता है। और हमने पहले भी कहा, अभी भी कह रहे हैं कि जिस दिन हम शिक्षा मंत्री के रूप में शपथ लिए थे, उसी दिन कुछ लोगों को दिल में क्या लगा हम नहीं बोल सकते, लेकिन लोगों को आया कि दसवीं पास शिक्षा मंत्री क्या करेंगे। हम कुछ करने के लिए मेरा जज्बा है, और उस जज्बा को बेहतर करने के लिए हम पढ़ेंगे भी और बेहतर पढ़ाएंगे भी झारखंड क्षेत्र में। झारखंड के शिक्षा मंत्री अब उच्चतर शिक्षा ग्रहण करेंगे। उन्होंने बोकारो के एक इंटरमीडिएट कॉलेज में 11वीं कक्षा में आर्ट्स विषय पर दाखिला लिया है। 45 वर्षीय शिक्षा मंत्री ने 1995 में 10वीं की परीक्षा पास की थी। उन्होंने कहा कि जब मैं मंत्री बना तो लोगों ने मुझ पर ताने मारे कि 10वीं पास शिक्षा मंत्री क्या करेगा, झारखंड में शिक्षा का क्या होगा, वगैरह वगैरह। उस समय लोगों की तंज से मुझे बहुत ठेस पहुंची थी। इसी का जवाब देने के लिए मैंने 11वीं में आर्ट्स में एडमिशन लिया है। पढ़ूंगा भी और पढ़ाई के लिए काम भी करूंगा। मैंने 10वीं 1995 में पास की थी। मैं क्लास भी करूंगा और मंत्रालय का काम भी सिखाऊंगा। पूरे झारखंड में 4416 मॉडल स्कूल बनने जा रहे हैं। ये बेहतर सुविधाओं के साथ लोगों को शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड में शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाया जाएगा। मैं उन आलोचकों का मुंह भी बंद करना चाहता हूं जिनकी नज़र में मैं 10वीं पास निठल्ला व्यक्ति हूं। मैं उच्च शिक्षा ग्रहण कर सबकी बोलती बंद करा दूंगा और मंत्रालय के भी। सारा काम देखते हुए सब कुछ करेंगे, क्लास भी करेंगे, मंत्रालय भी संभालेंगे, जनता के भी काम करेंगे, किसान का भी काम करेंगे, सब काम करते हुए जनता को प्रेरित कर देंगे कि सभी काम करो। अब हम इंटर पास कर जाएंगे तो वही जवाब हो जाएगा। पूरे झारखंड में 4416 विद्यालय मॉडल स्कूल के रूप पर आज ही साइन किए हैं और बेहतर शिक्षा के लिए किए हैं। बहुत जल्दी पूरे झारखंड में 4416 विद्यालय खुलने जा रहा है। मॉडल स्कूल के रूप में खुलेगा, सारा व्यवस्था के साथ, इंग्लिश मीडियम। मिला वाले घरों को रोशन तो करते ही हैं, बच्चों का भविष्य भी संवारते हैं।